स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। वहाँ हमने अध्ययन किया था कि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है, कि वहाँ हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जो हैं उनमें रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा होता है और ट्रैकिया में उपस्थित स्पायरिकल्स के द्वारा एयर जो है उनकी बॉडी में एंटर करती है। आज हम बात करेंगे कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये जल में पाए जाते हैं और इनमें क्लोज रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि स्पायरिकल्स इनके बंद होते हैं। ये एक एडप्टेशन है इनमें कि यदि स्पायरिकल्स खुले हों तो जल उनमें प्रवेश कर जाएगा और एनिमल जो है वो सर्वाइव इंसेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स में स्पायरिकल्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं और इनके शरीर पर रेस्पिरेशन के लिए विभिन्न प्रकार की इंटेग्यूमेंट्री स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जो कि मॉडिफाइड होती हैं गिल्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, और ये असिस्ट करती हैं सराउंडिंग वाटर से ऑक्सीजन को प्राप्त करने में। ये सभी संरचनाएं मॉर्फोलॉजी व फंक्शन में डिफरेंट होती हैं और इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें हम बात करेंगे क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन की। क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन से तात्पर्य क्या है कि इंसेक्ट की बॉडी में क्यूटिकल पाई जाती है, बाह्य जो सबसे बाहर की कवरिंग है वो क्यूटिकल होती है। तो क्यूटिकल इनकी थिन होती है और वो इंटेग्यूमेंट को परमिट करती है टू रिसीव द ऑक्सीजन। क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन केवल उन्हीं इंसेक्ट्स के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई दे पाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो कि छोटे हैं और इनएक्टिव हैं, या फिर वो ऐसे स्थानों पर जैसे कि कोल्ड और फास्ट मूविंग स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं जहाँ की ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है। लेकिन बड़े इंसेक्ट्स जो कि, या फिर जो ज़्यादा एक्टिव इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे इंसेक्ट जो कि ऐसे वातावरण में रहते हैं जो कि लेस ऑक्सीजनेटेड है, तो उनको क्यूटिकल के द्वारा सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए नहीं मिल पाती, तो उनमें सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई प्राप्त करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। इन मॉडिफिकेशंस में हम ये चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कायरोनोमस लार्वा में होता है। तो ये पहला मॉडिफिकेशन जो कि इंसेक्ट्स में सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई को एक्वेटिक इंसेक्ट्स में प्राप्त करने के लिए होता है, तो ये कहलाते हैं बायोलॉजिकल गिल्स। बायोलॉजिकल गिल्स एक्चुअली है क्या? बायोलॉजिकल गिल्स ऐसे ऑर्गन हैं जो कि वाटर से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को डिफ्यूज़न के द्वारा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाने के लिए परमिट करते हैं। बायोलॉजिकल गिल्स आउटग्रोथ के रूप में होते हैं ट्रैकियल सिस्टम की, और ये थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड ऑर्गन होता है और ये ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूज़न को परमिट करता है। इसी तरह बायोलॉजिकल गिल्स में से सर्वप्रथम बात करते हैं एब्डोमिनल गिल्स की। एब्डोमिनल गिल्स लेटरल सेगमेंटल इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ्स है जो कि कई रूपों में पाई जाती है। ये फॉलिएट या लैमिनेट गिल्स के रूप में एफिमीरोप्टेरा नेम्स में पाई जाती है, फिलामेंटस गिल्स के रूप में प्लैकोप्टेरा ज़ाइगोप्टेरा के नेम्स में पाई जाती है। ये फर्स्ट 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर उपस्थित होते हैं और 7 एब्डोमिनल गिल्स जो है इनमें एक्वेटिक इंसेक्ट्स में सामान्यतः पाए जाते हैं। ये फिंगर शेप्ड हो सकते हैं या कॉपियस टफ्ट्स के रूप में हो सकते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर हो सकते हैं, जैसे कि प्लैकोप्टेरा नेम्फ में ये सबमेंटम पर, नेक पर, थॉरेक्स पर, कॉक्सी पर और फर्स्ट 2-3 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर पाए जाते हैं, या फिर कॉडल एब्डोमिनल रीजन पर भी ये पाए जाते हैं। ट्राइकोप्टेरन क्रूसीफॉर्म लार्वी और प्यूपी में ये गिल्स फिलामेंट के रूप में होते हैं और ये अरेंज होते हैं डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल रोज में, एब्डोमेन पर दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। अब यदि हम बात करें कंपोडियड लार्वा की,
तो कंपोडियोइड लार्वा में गिल्स नहीं पाए जाते, इनमें क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन ही सफिशेंट ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध कराता है। न्यूली हैच निम्स जो होते हैं उनमें एक्डोमिनल गिल्स अंडर डेवलप्ड होते हैं कुछ स्पीशीज़ में, और कुछ में ये अडल्ट्स में भी पाए जाते हैं जैसे कि टेरोनेरिस में। इन कोलियोप्टेरा हाइग्रोइया गायरिनस हाइड्रोकोरिस बेरोसस के एक्वेटिक लार्वा में पेयर्ड फिलामेंटस गिल्स होते हैं जो कि 6 से 10 पेयर तक होते हैं। हाइग्रोइया में 3 पेयर गिल्स के होते हैं नियर द बेस ऑफ द लेग्स, और 3 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं फर्स्ट 3 एब्डोमिनल सेगमेंट पर, जबकि बाकी सभी कोलियोप्टेरन्स में गिल्स केवल एब्डोमिनल रीजन पर पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें डिप्टेरा की, तो डिप्टेरा में क्यूलिसिडी में 4 लैमिलेट और एनल गिल्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार फेलोकोरेला में फिलामेंटस गिल्स बॉडी के सारे पार्ट्स पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूरोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा लार्वी में भी गिल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये गिल्स पेयर्ड फिलामेंट्स के रूप में होते हैं और 7 से 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें कॉडल गिल्स की, तो ये फिलामेंटस हेयरी ट्राइक्विट्रल स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये हायर नेम्स में या तो स्वोलन सेकॉइड गिल्स के रूप में पाए जाते हैं और या फिर फ्लैटेंड लैमिनेट गिल्स के रूप में पाए जाते हैं। इंटरनली गिल्स जो हैं वो हाईली ट्रैकिएटेड होते हैं। गिल्स की पूरी इंटरनल कैविटी, ट्रैक्यूलर सिस्टम, नर्व्स, ब्लड चैनल्स व एल्वियोलर टिश्यू के द्वारा भरी हुई होती है। अब यदि हम बात करें रेक्टल गिल्स की, तो ड्रैगनफ्लाई नेम्स में रेक्टम का एंटीरियर 2/3 पार्ट बैरल लाइक चैम्बर में मॉडिफाई हो जाता है। रेक्टल वॉल एपिथीलियम ऑल्टरनेट थिक और थिन रीजन्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और 6 थिक एपिथीलिया जो होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं बेसल थिक पैड में और डिस्टल गिल फिलामेंट में। 6 लॉन्गिट्यूडनल रेक्टल पैड्स पाए जाते हैं, और हर एक पैड 2 पैडलेट्स का बना होता है, और प्रत्येक पैडलेट लिटरली वेयर करता है ओब्लिकली ओवरलैपिंग फ्लैटेंड गिल्स। गिल्स ट्रैक्यूल्स द्वारा रिचली सप्लाइड होते हैं, और यह ट्रैक्यूल्स लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक्स की इफरेंट ब्रांच से अराइज होते हैं। दोनों तरफ के ट्रैकियल गिल्स में कॉम्प्लेक्स ऑफ लूप्स बनता है, ब्रेंकियल चैम्बर एंटीरियरली व पोस्टीरियरली वेल डेवलप्ड वॉल्स के द्वारा गार्डेड रहता है, और इन वॉल्स पर लॉन्गिट्यूडनल व सर्कुलर मसल्स के स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। गिल लीफलेट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल जिनको कि सिंप्लेक्स टाइप ऑफ गिल्स भी कहा जाता है, और ये अंडुलेटिंग और पेपिलिएट स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। डबल या डुप्लेक्स टाइप ऑफ गिल्स ये इलॉन्गेटेड होते हैं, फिलामेंटस और लीफलेट टाइप ऑफ फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। रेक्टल गिल्स डिप्टेरा लार्वी में भी पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें स्पायरेक्युलर गिल्स की, स्पायरेक्युलर गिल्स इनको स्पायरेक्युलर गिल्स इसलिए कहा जाता है कि ये या तो मॉडिफिकेशन होते हैं स्पायरेकल के, या फिर स्पायरेकल के नज़दीक की बॉडी वॉल के, और या कुछ इंसेक्ट्स में ये दोनों का ही मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। कुछ फ्लाइज और बीटल्स की प्यूपल स्टेज में स्पायरेक्युलर गिल्स पाए जाते हैं। एक्वेटिक बीटल में एक या एक से ज़्यादा पेयर ऑफ स्पायरेकल्स से फिलामेंट के समान लंबी प्रोसेसेस निकलती हैं, जैसे कि सुफिनॉइड्स व कुछ डिप्टेरन फैमिलीज में भी स्पायरेक्युलर गिल्स पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें ब्लड गिल्स की, ये आप देख रहे हैं डिप्टेरा लार्वा के प्यूपा में स्पायरेक्युलर गिल्स आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड गिल्स की,
ट्राइकोप्टेरा के लार्वा में ट्यूबुलर और डिजिटी फॉर्म इवर्सिबल स्ट्रक्चर पाई जाती है एट द एनल एक्सट्रीमिटी, और डिप्टेरा के कायरोनोमस लार्वा के दो पेयर पेनल्टीमेट सेगमेंट में और दो पेयर एनल एंड पर और पाए जाते हैं। और ब्लड गिल्स का कार्य क्या है? इनका कार्य मुख्य रूप से ऑस्मोलेटरी है, ना कि रेस्पिरेटरी। यदि हम बात करें फिजिकल गिल्स की, तो फिजिकल गिल्स ऐसी स्ट्रक्चर हैं कि ये हेयर्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर करते हैं एयर को इंसेक्ट्स के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, और ये फिजिकल गिल्स का निर्माण करते हैं। ये सराउंडिंग वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ये कुछ बग्स में, एक्वेटिक बग्स में हाइंड लेग्स पर पाए जाते हैं, जैसे कि कॉरिक्सा में, नोटोनेक्टा में और डिटिस्कस में। साइफन्स क्या है? इंसेक्ट्स में, आप एक्वेटिक इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखेंगे, तो ये साइफन्स एक्चुअली हैं क्या? यदि आप में से किसी ने अंडर वाटर डाइविंग की हो, तो उसमें आपके सिर पर एक हेलमेट लाइक कुछ इक्विपमेंट लगाया जाता है, जिसमें के ऊपर एक साइफन निकला रहता है, और वहाँ से ही आप ब्रीथ करते हैं। तो इसी तरह से इंसेक्ट्स में भी ऐसी ही एक ब्रीदिंग ट्यूब लगी रहती है, जो कि ये जब जल की सतह पर नहीं होते, जल के भीतर होते हैं, तो वो ट्यूब बाहर रहती है और वहाँ से ऑक्सीजन इनके भीतर जाती रहती है। तो ये हॉलो ब्रीदिंग ट्यूब्स होती हैं जो कि सीधे ही एयर प्राप्त करती हैं। मॉस्किटो लार्वा में साइफन पोस्टीरियर स्पाइरिकल का एक्सटेंशन होते हैं। साइफन की ओपनिंग हेयर्स की क्लोजली अरेंज रिंग के द्वारा गार्डेड रहती है, और इन हेयर्स पर वाटरप्रूफ कोटिंग होती है। एयर वाटर इंटरफेस पर यह हेयर वाटर की सरफेस टेंशन को ब्रेक करते हुए ओपन एयरवे को मेंटेन करते हैं। जब इंसेक्ट डाइव करता है, तो वाटर प्रेशर के कारण हेयर्स एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, वह ओपनिंग को सील कर देते हैं, जिससे कि वाटर बॉडी में एंटर नहीं कर पाता। हेमिप्टेरा के वाटर स्कॉर्पियन और रेड टेल मैगट्स में भी स्नॉर्कल के समान ब्रीदिंग ट्यूब्स पाई जाती हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें स्पेशल वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जहां पर कि वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं और अपनी बायंसी को मेंटेन करते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट, जैसे कि मेंसोनिया स्पीशीज के लार्वा, ये अपने साइफन को एयर स्टोर्स में इंसर्ट कर देते हैं और बिना सरफेस पर गए ही विशुद्ध ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। ये आप देख रहे हैं मॉस्किटो लार्वा में, लार्वा जल के भीतर है और साइफन को बाहर निकाले हुए है, तो वो साइफन से बाहर से डायरेक्ट एयर को प्राप्त कर रहा है। अब हम बात करते हैं एयर बबल्स या टेम्परेरी गैस गिल्स, जिनको कि कंप्रेसिबल गैस गिल्स भी कहा जाता है। कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स जब भी पानी के भीतर जाते हैं, तो अपने साथ एक एयर बबल कैरी करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये इंसेक्ट में पीछे एयर बबल ये अपने साथ कैरी कर रहे हैं। ये बबल एलिट्रा के नीचे या बॉडी हेयर के अगेंस्ट भी ट्रैप किया जा सकता है। बबल्स एक या ज़्यादा स्पाइरिकल्स को कवर करता है, ताकि जब इंसेक्ट सबमर्ज्ड हो तो ब्रीथ कर सके। एयर बबल शॉर्ट टर्म ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन बबल सराउंडिंग वाटर से में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको भी कलेक्ट कर लेता है। अतः बबल जो है वो फिजिकल गिल की तरह कार्य करता है। जितना बड़ा बबल होगा, उतनी ही एफिशिएंटली वो सराउंडिंग वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को कलेक्ट कर पाता है। इंसेक्ट तभी तक जल के भीतर रह सकता है, जब तक बबल में डिफ्यूज होने वाली ऑक्सीजन कंज्यूम्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से अधिक हो। धीरे धीरे बबल का साइज कम होता जाता है, क्योंकि स्लोली सराउंडिंग वाटर में ये नाइट्रोजन जो है वो डिजॉल्व होती जाती है, और बबल का सरफेस एरिया कम होता जाता है। जैसे ही बबल का सरफेस एरिया कम होता है, रेट ऑफ गैस एक्सचेंज भी कम हो जाता है, और इवेंचुअली बबल ऑक्सीजन की मेटाबॉलिक डिमांड्स को
बबल ऑक्सीजन इंसेक्ट की मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा करने के अनुरूप काफ़ी छोटा हो जाता है और इंसेक्ट को वाटर सरफेस पर वापस आकर एंटायर बबल को रिन्यू करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं प्लास्ट्रोम्स या परमानेंट गैस गिल्स, या जिनको कि इनकम्प्रेसिबल गैस गिल्स भी कहा जाता है। ये रिजिड क्लोजली स्पेस्ड हाइड्रोफोबिक हेयर्स होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये बॉडी के नज़दीक काफ़ी डेंस होते हैं और ये अपने बीच के स्पेस में एयर स्पेस बना लेते हैं और इसको ही प्लास्ट्रोन कहा जाता है। प्लास्ट्रोन में ट्रैप की हुई एयर फिजिकल गिल का कार्य करती है, परंतु इस एयर स्पेस का वॉल्यूम कभी भी कम नहीं होता और हेयर से बनी फोर्ट्रेस सराउंडिंग वाटर को इस एयर स्पेस में आने नहीं देती, इसीलिए इसको इनकम्प्रेसिबल गैस गिल कहा जाता है। जब इंसेक्ट ऑक्सीजन कंज्यूम करता है तो प्लास्ट्रोन में पार्शियल प्रेशर डेफिशिट क्रिएट हो जाता है और सराउंडिंग वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन प्लास्ट्रोन में डिफ्यूज़ हो जाती है और इस डेफिसिट को करेक्ट कर देती है। इसी प्रकार धीरे धीरे नाइट्रोजन बबल में से सराउंडिंग वाटर में डिफ्यूज़ हो जाती है और पार्शियल प्रेशर डेफिशिट क्रिएट करती है, परंतु जल में बहुत कम डिजॉल्व नाइट्रोजन होती है, अतः इस डेफिसिट को भी कुछ हद तक ऑक्सीजन द्वारा करेक्ट किया जाता है। इस प्रकार प्लास्ट्रोन जो है एक प्रकार का ट्रेड करता है कि ये जल को कुछ नाइट्रोजन देकर बदले में ऑक्सीजन प्राप्त करता है और गैस का वॉल्यूम अपने भीतर कांस्टेंट बनाए रखता है, जो कि और अधिक ऑक्सीजन रिच होता है। क्योंकि प्लास्ट्रोन का गैस वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और इंसेक्ट को बार बार सतह पर नहीं आना पड़ता, इसीलिए परमानेंटली सबमर्ज रहने वाले इंसेक्ट्स में प्लास्ट्रोन पाया जाता है। अब हमने पढ़े ट्रैकियल गिल्स और ब्लड गिल्स, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रैकियल गिल्स जो हैं ये थिन प्लेट्स और फिलामेंट्स के रूप में होते हैं और इनमें प्रचुर सप्लाई होती है ट्रैकिया की, जबकि ब्लड गिल्स में ट्रैकिया पुअरली डेवलप्ड होते हैं या एब्सेंट होते हैं। ट्रैकियल गिल्स में ब्लड कैविटी छोटी होती है, जबकि ब्लड गिल्स में ये स्पेशियस ल्यूमन होती है। और ट्रैकियल गिल्स का मुख्य कार्य श्वसन है, रेस्पिरेशन है, जबकि ब्लड गिल्स का मुख्य कार्य एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। ट्रैकियल गिल्स पाए जाते हैं एफिमिरोप्टेरा और ट्राइकोप्टेरा में, जबकि ब्लड गिल्स पाए जाते हैं वेंट्रल एंड एनल गिल्स ऑफ काइरोनोमस लार्वा जो है वो ब्लड गिल्स हैं। ये आप देख रहे हैं मेफिडनियार्ड में लैमिलेट गिल्स। अब हम बात करते हैं स्पायरिकुलर एडेप्टेशंस क्या है एक्वेटिक इंसेक्ट्स में। डिप्टेरन लार्वा में पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड स्पायरिकल्स के चारों तरफ ऑयली सिक्रीशन को डिस्चार्ज करती है, जो कि एयर को तो स्पायरिकल के भीतर जाने देता है पर जल को नहीं जाने देता। इसी तरह से कुछ एक्वेटिक मॉस्किटो लार्वा में स्पायरिकल्स साइफन के टिप पर पाए जाते हैं और इस प्रकार ये डायरेक्ट एयर से ही ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और कुछ एक्वेटिक लार्वा में साइफन प्लांट रूट्स के गैस स्पेस को पेनिट्रेट करके ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इस तरह से हमने देखा कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स भिन्न भिन्न तरह की मॉडिफिकेशंस के आधार पर अपना ऑक्सीजन श्वसन हेतु प्राप्त करते हैं। इसके साथ हमारा ये रेस्पिरेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है, तो हम अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे।